माइक नहीं लगेगा। चलो रिकॉर्ड करो भाई। चलिए डाउट पूछे बच्चों, आज आप बात कर सकोगे, आज दिक्कत नहीं होगी, आज माइक नहीं लगेगा। हाइपर कंजुगेशन के डाउट पूछो। क्वेश्चन नहीं, ये गलत बात है, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। सर 16। बहुत बढ़िया, बता रहा हूं 16। आज इसमें माइक नहीं लगा हूं, रीजन क्या है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 16। हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, हाइपर कंजुगेशन किसमें होगा? देखो बच्चों, सीएसटी और सीएसटी, यहां पर सी और सी, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, एच 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 और एच। अब देखो बेटा, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा एच। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कंडीशन में यहां से हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। यही सीन यहां पर बना हुआ है, यहां अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट, लेकिन नो अल्फा, तो यहां हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, इसीलिए इसका हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो नो हाइपर कंजुगेशन, इसका हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन ना तो इधर है ना ही इस साइड में है। दूसरा देखो, सी सेम सीन है, तो अब मैं इसको बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला ही सीन बन रहा है, इसीलिए मैं इसमें नहीं बनाऊंगा। तो इसमें अल्फा एच नहीं है, किसी भी सूरत में अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच एब्सेंट है, अल्फा एच नहीं है। तो अगर अल्फा एच नहीं है, तो यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, नो हाइपर कंजुगेशन, यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा किसी भी हालात में। अब प्यारे बच्चों, एक लास्ट है, वो है सी। सी में देखो, यहां पर इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है, इसको समझना, ये जो आप करवा रहा हूं, ये समझने लायक है, इसको समझेगा। यहां पर सीएसटी है, यहां पर सीएसटी है, यहां पर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, यहां पर एच है, यहां सीएच2 है, यहां सीएच2 है, यहां पर एच। तो मेरे दोस्तों, आराम से समझिए, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन भी है, फिर भी इसका हाइपर कंजुगेशन इस अल्फा हाइड्रोजन से नहीं होगा, नो हाइपर कंजुगेशन, इसका हाइपर कंजुगेशन होने वाला किसी भी हालात में नहीं है। कोई पूछे कि इसका हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं होगा, बच्चों अच्छी तरीके से समझ लो, हाइपर कंजुगेशन
चाहे रेजोनेंस, दोनों के होने के लिए बॉन्ड का बनना जरूरी है। दोनों के होने के लिए, अच्छी तरह समझो, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसे समझो। रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब अपलोड होगा, इसीलिए अच्छी तरीके से समझो। हाइपर कंजुगेशन हो चाहे रेजोनेंस हो, दोनों के लिए बॉन्ड का बनना जरूरी है। और बॉन्ड बनने के लिए पैरेलल होना, प्लेनर होना जरूरी है। पैरेलल होना और प्लेनर होना जरूरी है। इन दोनों को मैं रब कर रहा हूं, इसको रब नहीं कर रहा हूं, ये दोनों समझ में आ जाता है और ये समझ में नहीं आता है। मैं कॉन्सेप्ट का अंग ही नहीं देता हूं, इसे कहते हैं ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट। इसका नाम है ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट। ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से लिख दूं भाई, ब्रिज हेड कॉन्सेप्ट। पहली बात, चाहे तो रेजोनेंस हो, चाहे फिर हाइपर कंजुगेशन हो, कुछ भी हो, दोनों ही सीन में, दोनों ही केसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दोनों ही केसेस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, क्या? पैरेलल ऑर्बिटल्स, दूसरा प्लेनारिटी। अगर ये दो चीज नहीं है तो बॉन्ड किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। अब बच्चों, और अगर बॉन्ड नहीं बना तो फिर ये फिनोमेना होगा नहीं। अगर बॉन्ड नहीं बना तो फिनोमेना नहीं होगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, बॉन्ड तो बनता ही है ना मेरे बच्चों। ब्रिज हेड जो होता है, ब्रिज हेड, जैसे कि ये, इसे हम ब्रिज हेड कहते हैं, इसे और इसे ब्रिज हेड कहते हैं, क्योंकि हम यहां पर ब्रिज बनाते हैं। तो अगर हमने यहां पर ब्रिज बनाया है तो ये दोनों पॉइंट ब्रिज हेड, समझो जरा, ये पॉइंट, इसका नाम ब्रिज हेड है। इसका नाम यहां एच लगा देता हूं, इसका नाम ब्रिज हेड है। दोबारा देखो, ब्रिज हेड है बच्चों। यहां पर एंगल कितना था? 109.5। चीजों को जो होता क्या है बच्चों, हम चीजों से डरते हैं, उसमें चाहे मैं हूं चाहे आप हो, और जहां डर आ जाता है वहां पर हमारा दिमाग उस चीज से रिपल्सन मारना शुरू कर देता है, फोबिया शो कर देता है। डरो मत। डर को भगाने का दुनिया में एक ही उपाय है, एक ही रेमेडी है, जानो, नॉलेज, जानो, और कोई उपाय नहीं, कोई रेमेडी नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई भी रेमेडी नहीं है। जैसे कोई कितनी बड़ी बहस कर ले, मैं तैयार रहता हूं, कोई लंबी छोटी बात नहीं। तो बच्चों, एंगल, इस पर हाइबरनेशन एसपीपी है, तो एंगल जो एक तरह से SP3 के लिए कन्वेंशनल एंगल है, जो डिसाइडेड एंगल है, जो थ्योरेटिकल एंगल है, जो थ्योरेटिकल एंगल बनता है,
वो 109.5 डिग्री का बनता है। ठीक है भाई, ये 109.5 का हो सकता है, मान लेते हैं हो सकता है, मान लेते हैं, हालांकि है नहीं, मान लेते हैं हो सकता है, लेकिन क्या ये एंगल 109.5 का है? नहीं है। क्या ये एंगल 109.5 का है? नहीं है। अरे यार, अगर हम इसको प्लेनर मानते हैं तो एक तरह से ये तो बाइसेक्टर हो गया ना, बाइसेक्टर। तो ये एंगल स्ट्रेन से जूझता है, यहां पर एंगल स्ट्रेन होती है, एंगल स्ट्रेन से जूझता है, यहां पर एंगल स्ट्रेन होती है। और मेरे दोस्तों, अगर यहां पर एंगल स्ट्रेन होती है तो उस एंगल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए, उस एंगल स्ट्रेन से छुट्टी पाने के लिए ये इससे जो प्लेनरिटी होनी चाहिए, यहां अगर यहां एक्स करके और यहां पर रेडिकल बना ले तो इससे जो प्लेनरिटी होनी चाहिए उससे डेविएट करेगा, और अगर उस प्लेनरिटी से डेविएट करेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, ना तो रेजोनेंस होगा ना ही हाइपर कंजुगेशन होगा। बहुत ही अच्छी तरह से समझ। तो ब्रिजहेड कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये प्लेनारिटी देने वाला नहीं है, या तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा, प्लेनारिटी देने वाला नहीं है। अगर प्लेनारिटी नहीं देगा तो ना तो रेजोनेंस होगा ना ही हाइपर कंजुगेशन होगा। मैं एकदम आगे बढ़ के चलता हूं और ये कह देता हूं, चलो नीदर कोई भी फिनोमेनन था, अगर रिएक्शन की बात करें तो इस पॉइंट पर रिएक्शन भी नहीं होगी, रिएक्शन भी नहीं होगी, यानी कि रेजोनेंस नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। और मेरे दोस्तों, यहां पर रिएक्शन भी नहीं होती है, ये तीनों चीजें ब्रिज हेड पर किसी भी सूरत में नहीं होंगी, ये होंगी नहीं, नॉट पॉसिबल, ये चीजें होती भी नहीं है। क्यों नहीं होती है? साफ साफ सी बात है, ये प्लेनरिटी में नहीं आता है, हाईली स्ट्रेन्ड होता है। कोई भी बच्चा डाउट पूछे, परेशानी पूछे अपनी, क्वेश्चन नंबर 40 इसमें कोई डाउट है हुजैफा? हुजैफा नहीं है, हुजैफा मीटिंग में नहीं है क्या बच्चा? ये क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, अब देखिए इसको, देखो बेटा, यहां पर
दो अल्फा एच है, यहां पर दो अल्फा एच है टोटल फोर अल्फा एच हो गए। इसमें देखो बहुत बढ़िया चीजें हैं, दो अल्फा एच साथ में यहां पर रेजोनेंस है, देखो ना कितना बढ़िया रेजोनेंस है, कितना अच्छा सुंदर रेजोनेंस है। तो टोटल टू अल्फा एच प्लस टू डिग्री ऑफ रेजोनेंस, कितनी अच्छी बात। रूल है पाई इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फिर यहां पर पॉजिटिव मतलब हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फिर यहां पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, कितना बढ़िया है। इसके बाद देखो तो फिर कुछ इस तरीके से यहां पर प्लस है और यहां पर मेरे बच्चे सी एस पी है एच और यहां पर एच और यहां पर एच, इस कंडीशन में टू अल्फा एच और यहां पर मेरे बेटे वन अल्फा एच, तो टोटल क्या है थ्री अल्फा एच। तो अब हमें इसमें देना क्या है, नो मॉट रेजोनेंस का ऑर्डर बताना। वैसे तो स्टेबिलिटी बता देता हूं मैं, स्टेबिलिटी से फर्क ही निकलती है। अगर एक बार हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर देते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल ये निकलेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी आती है, यहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी चलेगी इस तरीके से, यहां पर स्टेबिलिटी आती है और उससे कम स्टेबिलिटी यहां इसकी आती है। ये यहां पर सी एस पी लगा लो, यहां पर प्लस लगा लो, ये स्टेबिलिटी आती है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। और अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया तो उसे आप जितना मन चाहे, जितना जो चाहे वो कर लो, क्योंकि स्टेबिलिटी पता है आपको, तो फिर आप रेजोनेंस एनर्जी, हाइपर कंजुगेशन एनर्जी, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी जो चाहो वो निकाल दो। बोलिए बेटा क्या दिक्कत है। अब मैं थोड़ा सा इधर जाता हूँ जिससे आप दोबारा देख लो और मैं भी देख लो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर कैसे आता है। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं बता दूं आपको, पुराने लेक्चर से एक बार फिर देखो, इसका बेनिफिट ये है रिकॉर्डिंग का कि बच्चा पुराने लेक्चर देख रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा डीलोकेलाइज होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। होता क्या है डीलोकेलाइजेशन में, इलेक्ट्रॉन भाई देखो यहां पर तो सबसे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन है, इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन यहां पर ये और यहां पर भी डीलोकेलाइज है। तो ग्रेटर इज रेजोनेंस, ग्रेटर इज हाइपर कंजुगेशन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। इस तरह से आप एक मोड बनाओ, एक मोड बनाओ, ग्रेटर इज रेजोनेंस, ग्रेटर
greater is the stability, greater is the stability. जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. अब साथ में एक नोट और बना लो आप, जितना ज्यादा हाइपर कन्वल्यूशन होगा ग्रेटर इज हाइपर कन्वल्यूशन. और कहीं भी कोई नहीं नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है. Greater is hyperconvolution. Greater is the stability. खूब करो, जितना मन हो उतना करो. आगे बोलो बेटा. बोलो उत्तर. अरे हमारी जो बीच वाली रिंग है ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगी तो लीस्ट स्टेबल नहीं हो जाएगी. फर्स्ट गेट टूटे जा, फंस गया तू. अरे बेटा बहुत दिन बाद. बहुत दिनों बाद फंसा मेरे बच्चे. एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक के लिए पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए. यहां पूरी रिंग में रेजोनेंस कहां है? यहां पर तो आपका खूब गहमा. बोलो टूट जा. यस सर, सर समझ रहा हूं. नहीं नहीं कैसे समझ. अरे भैया मैं बता रहा हूं आपको, बताओ मैंने आपका देख लिया है, टेंशन ना लो. एंटी एरोमेटिसिटी तो तब डेवलप होगी जब पॉइंट पर एसपीपी ना हो. पूरी रिंग में जब कोई भी चीज होती है तब जाकर के वो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक होता है. यहां पर ये तो जो ये है ये तो नॉन एरोमेटिक है. ना तो ये एंटी एरोमेटिक है ना ही ये एरोमेटिक. अब एक चीज आ रही है कि डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस को डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा पा रहा है. भाई इसको मैं बता चुका हूं बार बार, पुराने लेक्चर से नहीं बता रहा हूं, पुराना लेक्चर है उसमें बता चुका हूं कि डीलोकलाइजेशन से होता क्या है. डीलोकलाइजेशन से होता क्या है? डीलोकलाइजेशन से होता क्या है? डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियस के कांटेक्ट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज होगा. और जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियस के फील्ड में जाएगा, कांटेक्ट कहना तो ठीक नहीं है, फील्ड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ेगा. साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा. और अगर ऐसा हो गया रिपल्सन कम होने से अट्रैक्शन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है. आई थिंक आपकी बात का जवाब मिल गया आपको. नोट कर लो. और बेटा देखो पूरी सिद्धांत से देखो, मैंने हर चीज पढ़ा रखी है और हर चीज लेक्चर्स में मौजूद है पूरी शिद्दत. देखो भाई मैंने जिंदगी में कामयाबी कैसे ली, प्लीज मेरी बात का बुरा मानना करो, ये प्रॉब्लम्स में मोटिवेशन चलता है. मेरे देखो मेरे बच्चे भी हैं मैं भी हूं. मैंने कामयाबी कैसे ली जब मैं घर से चला था, बुरा मानना मेरी बात, तो मैं एक हनुमान चालीसा लेकर चला था और बाई चांस वो हनुमान चालीसा खो गए. मैं बहुत दुखी हुआ उस दिन. आप बिलीव नहीं करेंगे कितना दुखी हुआ, बहुत दुखी, खो गया. अब पैसे तो नहीं थे ना हनुमान चालीसा खरीदने के लिए, और मेरे लिए तो वही हनुमान चालीसा इंपॉर्टेंट था.
खरीदा हुआ तो इंपोर्टेंट था ही नहीं, मेरे पास जो भी किताबें थी चाहे वो हिंदी की थी, चाहे वो इंग्लिश की थी, चाहे वो फिजिक्स की थी, चाहे वो केमिस्ट्री की थी, चाहे वो मैथ्स की थी, मैंने उन किताबों उसी दिन से हनुमान चालीसा बना लिया। उसी दिन से। और आपके शहर के सारे टीचर इस बात को जानते हैं कि कुछ किताबें मुझे आज भी याद है। तो आप इतनी शिद्दत से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। सर नो बोन जो वो एनर्जी ऑर्डर था वो भी यही होगा, स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर ही। बहुत अच्छा, जिसने पूछा है बहुत अच्छा है। देखो मैं बताता हूं, लिख करके बताता हूं, मजा आएगा आप लोगों को, मजा आएगा। देखो नोट, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। There is no bond between alpha carbon and alpha hydrogen in the canonical structure of hyperconjugation. हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर में ऐसा होता ही नहीं, बॉन्ड ही होता। आंसर, हाइपर कंजुगेशन मुझे लिखना नहीं चाहिए, इसी हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। तो आप कह सकते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी क्या है, जो एनर्जी रिलीज हुई स्टेबिलिटी को गेन करने में। ये कहां पढ़ाया था तेजा? सर रेजोनेंस एनर्जी में पढ़ाया था, और जबरदस्त पढ़ाया था, पूरा ग्राफ ग्रुप सब करवा कर बताया था। अब उसे बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। क्यों रिपीट करूं, क्यों रिपीट किया जाए, हम रिपीट नहीं करेंगे। हमें तो कंपटीशन देना है, कंपटीशन देने के लिए आपके दिमाग को बढ़ाना है, तो उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रपोजल स्टेबिलिटी हो गई ना, जैसे कि इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस क्या था भाई, रेजोनेंस एनर्जी जिसे मैं हम आर की भी लिख देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ये प्रोपोर्शनल की स्टेबिलिटी के इतना ज्यादा समझा दिया था कि अब उसे समझाना तो बेमानी हो जाए, उसे समझाना अब बेमानी हो जाए। अगला पूछे बेटा। सर लेकिन इसमें पीछे तो आंसर सी ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कौन सा बेटा बताओ? सर 40। 40 अच्छा, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। नोट कर लिया पुत्र? यस सर।
वेरी गुड, नोट जरूर कर लेना, नोटबुक बना लो, केवल वीडियो के सहारे मत रहो। हुजैफा नोट कर ले बेटा। यस सर। बहुत बढ़िया। अपने दिमाग को बढ़ाओ। ये तो रेजोनेंस हुआ और यहां पर ये हाइपर कंजुगेशन हुआ। कोई दिक्कत है बोलो, बोलो बेटा, बोल भाई, बोल बेटा, तू बोलता है नहीं यार। बेटा जितना ज्यादा डाउट क्लियर करोगे उतने ही ज्यादा तुम समझ लो चढ़ रहे हो आगे। फिर ये मैं फिर दूसरे कलर की चौक रही हूं और उससे बार बार नहीं बनाऊंगा। ये रेजोनेंस है, कोई दिक्कत? नो सर। ये हाइपर कंजुगेशन है। अब देखिए यहां से यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा। शॉर्ट कर ले देता हूं, कोई प्रॉब्लम? टू अल्फा एच। आगे चलो, यहां पर कितना है? वन और टू, टू अल्फा एच, वन अल्फा एच, केवल एक है। तो यहां पर थ्री अल्फा एच है, यहां पर टोटल फोर अल्फा एच है, यहां पर टोटल टू अल्फा एच है। तो अब स्टेबिलिटी, टोटल स्टेबिलिटी, टोटल स्टेबिलिटी फाइनल या फाइनल लिखो कैसे? ड्यू टू रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, दोनों की वजह से जो टोटल स्टेबिलिटी आई वो क्या है? वो तो दोस्त ऐसी ही आएगी, ऐसे यही आएगी जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है, वो तो ऐसी ही आएगी इसी तरीके से। लेकिन टोटल स्टेबिलिटी के बाद जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी है, क्यों आखिर टोटल ऐसी आएगी? क्योंकि यहां पर दो रेजोनेंस है, एक हाइपर है। तो टोटल स्टेबिलिटी यानी फाइनल स्टेबिलिटी तो यही है, लेकिन स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड्स को ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अगर हम
स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन रेट है तो फिर क्या आएगी, किसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, टू और टू फोर इसमें सबसे ज्यादा है, फोर अल्फा एच वाला सबसे ज्यादा। अरे सेकंड वाले स्ट्रक्चर में तो 6 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे इसमें बेटा? सर ये सेकंड वाले में डबल बॉन्ड के साथ एक अल्फा वो भी आ जाएगा साथ इसमें? सर नहीं सर इसके साथ वाले में इसमें? यस सर। सर ये डबल बॉन्ड के साथ भी एक अल्फा कार्बन आ गया तो पॉजिटिव के लिए पूछ रहा है सर, बट है तो टोटल स्ट्रक्चर क्या ना सर? कैटायन पूछ रहा ना बेटा, कैटायन। तो अगर ऐसे मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे तो उसके पास ही देखना है। हाँ फिर तो उसी के पास देखोगे ना बेटा, कैटायन पूछ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ कैटायन का हाइड्रोजन है, यहाँ पर कैटायन का हाइड्रोजन है, थोड़ा समझो टूटे जा। यस सर ओके। चीजों को फील करो भाई, यहां देखो, यहां तो कैटायन को देखो, कैटायन कैटायन, इसीलिए टोटल स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की मैंने, क्योंकि कैटायन पूछ रहा है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कैटायन, यहां पर इस कैटायन को देखो, अब इससे तो कैटायन पर ये क्या इफेक्ट डालता है वो देखना है। अब स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन, इसकी स्टेबिलिटी कैटायन की, क्योंकि क्वेश्चन में कैटायन लिखा हुआ है, तो फोर अल्फा एच और फिर कितना है यहां पर अल्फा फोर, फिर यहां पर थ्री और यहां पर कितना है, टोटल तो टू ही अल्फा एच, यहां पर तो टू अल्फा एच, टू अल्फा एच, तो ये तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से होगी और हाइपर कंजुगेशन की वजह से ही नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, तो आप यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस का रेट लो, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस के लिए 4 अल्फा एच, फिर 3 अल्फा एच, फिर 2 अल्फा एच, ये मजेदार क्वेश्चंस हैं। बोलिए बोलो भाई, मैं एक तरफ खड़ा हूं, आप बोलिए। सर पहले वाले में आपने कितने अल्फा एच लिखे हैं? ये प्लस चार है, इसके साथ ये टू अल्फा एच, तो ये टोटल टू अल्फा एच है, टोटल टू अल्फा एच, इसमें टोटल टू और टू फोर, टोटल फोर अल्फा एच हो गए। बोलो बेटा, कोई बात नहीं, बोलो बेटा। सर अगर पहले वाले में देखा जाए तो सर दूसरे वाला कार्बन और उसमें एक हाइड्रोजन रह गया तो वो अल्फा वो नहीं।